मैं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य हेतु परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। जगमोहन सिंह, अंचल प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बारा। सर आज यहाँ पे किस तरह का बैंक ब्लड डोनेट चल रहा है? ये क्योंकि बैंक का 100वां जो स्थापना दिवस है 11 नवंबर को, उसी के उपलक्ष्य में ये जो अंचलीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की ओर से ये एक ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, जिसमें सभी स्टाफ सदस्य और उनके जो भी निकट संबंधी हैं, जो भी ब्लड देने के इच्छुक हों, उनको इसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। कितने लोगों का टारगेट रखा है आपने? 50 प्लस, हम 50 प्लस का टारगेट। ये कैंप कब से कब तक चलेगा? आज ही, आज 2 बजे दिन तक। आज दिन सुबह 10:30 से स्टार्ट होके 2 बजे तक। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मैं विकास कुमार सिन्हा, वाराणसी क्षेत्र का क्षेत्र प्रमुख हूँ। और जैसा कि हमारे अंचल प्रमुख ने बताया कि 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम रखे हैं, उसमें से एक कार्यक्रम यह ब्लड डोनेशन का भी है। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 50 से अधिक लोगों का हम ब्लड डोनेशन यहाँ करवाएं। और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्रीय कार्यालय का प्रांगण है, हमारे जो कार्यालय है उसमें हमने एक हेल्थ चेकअप का भी कार्यक्रम रखा है। आप वहाँ भी जाकर के देखें उसको, वहाँ हेल्थ चेकअप के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जिसमें ECG, ब्लड टेस्ट और आई टेस्ट वगैरह सारे हैं उसमें। और कल भी हमारा एक कार्यक्रम मैराथन दौड़ का शुभारंभ।